आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। शहरियान को दूसरों की जान के तहफ़ के लिए CPR टेक्निक सीखनी चाहिए। गांधी मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा वर्कशॉप से गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन का खिताब। BRS में कौमी कायदीन की शिरकत का आगाज़। रियासत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कायदीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के वाक़े पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का शदीद रद्द अमल। स्वीडन के सफीर को एहतजाजी मकतूब किया गया रवाना। राम गोपाल पेट सिकंदराबाद में आतिशज़दा मॉल को GHMC ने मुनहदम कर दिया। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। जहन मुंतशिर करते हुए डायमंड्स उड़ाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने कहा है कि शहरियों में CPR तकनीक से वाकिफियत जरूरी है। उन्होंने शहरियान पर जोर दिया कि किसी दूसरों की जान बचाने के लिए इस तकनीक को सीखा जाए। गांधी मेडिकल कॉलेज अलमना एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप के आगाज़ के सिलसिले में मुशरबाद में वाक़ हॉस्पिटल में वो खिताब कर रही थी। गवर्नर तमिलसाई ने कहा कि मौजूदा दौर में जहां कम उम्र में हार्ट अटैक आम हो चुका है, ऐसे में CPR तकनीक अहमियत की हामिल है। वादा रहे कि इस मेडिकल वर्कशॉप में इमरजेंसी हालात में CPR कैसे दी जाए और दीगर तिब्बी उमूर पर तफसीली तौर पर तरबियत फराहम की जा रही है। इस मौके पर अलमना एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने स्वीडन में हुई कुरान की बेहरमती वाक़े पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए स्वीडन के एम्बेसडर को एक मकतूब रवाना किया है। उसमें अपने एहतजाज का भी इजहार किया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के वाक़े पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिद्दीन फ़हीम व दीगर जिम्मेदारों की जानिब से इस सिलसिले में स्वीडन के सफ़ीर मुकीम नई दिल्ली को एक एहतजाजी मकतूब रवाना किया है। स्वीडन के सफ़ीर को हिंदुस्तानी मुसलमानों के शदीद जज्बात से वाकिफ करवाया गया और गुस्ताखाना हरकत में मुलविस मलून को कैफर किरदार तक पहुंचाने और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का इयादा ना होने देने का भी मुतालबा किया गया। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 29 जनवरी बरोज़े इतवार को दोपहर 1 बजे BRS पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें 1 फरवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट बजट इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली का जायज़ा लेते हुए अराकीन लोकसभा और राज्यसभा को कई एक हिदायतें दी जाएंगी। पार्लियामेंट के इस इजलास में तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने और रियासत को फंड्स जारी करने से मुतालिक दोनों ऐवानों में सवालात करने की हिदायत दी जाएगी। सदर TRS के चंद्रशेखर राव की जानिब से पार्टी को BRS में तब्दील करने के बाद से आंध्र प्रदेश की अहम शख्सियतों ने भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार की है। अलावाज़ी जुमे के रोज़ उड़ीसा के साबिक वज़ीर-ए-आला गिरिधर गुमांग और उनके फर्जंद शेरू और साबिक रुकन पार्लियामेंट जयराम पांगी के अलावा साबिक सीनियर कांग्रेस कायद कैलाश कुमार प्रगति भवन पहुंचे, जहां मस्कुरा कायदीन ने सदर BRS व वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए
बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आला ने उनका बीआरएस में खैर मकदम करते हुए उनकी शालपोशी की। पीने का पानी भी नहीं दिया जा सकता देश में 75 साल के बाद, सिंचाई के लिए, खेती के लिए किसानों को पानी भी नहीं दिया जा सकता, बिजली भी नहीं दिया जा सकता, ये क्या बेहाल स्थिति है। कितनी सभाएं हम देख रहे हैं, कितनी भाषण सुन रहे हैं, कितने नेता एमएलए बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, कितने सरकारें बदले, कितने रंगों के रंग बिरंगे झंडे भी हमने देखे, लेकिन किसानों का, गरीबों का हालत तो नहीं बदला। सरकारें बदले, नेता बदले, इसका कारण क्या है? इससे ही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है। अभी कुछ दिन पहले कमम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था, आज अपने देश का कोई लक्ष्य है, भारत का कोई लक्ष्य है, आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी से कोड़ंगल में बीआरएस कायद और साबिक रुकने असेंबली आर गौरवनाथ रेड्डी और उनके फर्जंद कोड़ंगल म्यूनिसिपल चेयरमैन आर जगदीश्वर रेड्डी ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तिला दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की 6 फरवरी से शुरू होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की वो और उनके फर्जंद मुकम्मल हिमायत करेंगे। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने बताया कि इन दोनों कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने से पार्टी कोड़ंगल में मुस्तहकम होगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने ज़िले मेडचल के कई इलाके जात में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलगू आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत रियासत के हर फर्द के आँखों का मुआयना करते हुए दवाएँ और ऐनकें मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि दूसरे मरहले में अब तक 6,25,000 अफराद के आँखों का मुआयना करते हुए मुफ्त ऐनकें और दवाएँ तकसीम की जा चुकी हैं। कोटि रूपये एक्वना पर्वे यानी चर्ला ड्रैनेज नील यानी मीदकोचे नील यानी दिन बैपास तपकड़ा मैं मुनपल कमीशनर यानी मुनपल चैरम का कौनसलर का कोशन मेबर का अंदर इपू माटडकना गुल्लपोचंपल्ली मुनिसिपालिटीलो कौन्सिलर को वालू मूड संवत्सराल वाल कंप्लीट चेयरमैन अम्मा गानी कौन्सिलर गानी प्रमाण स्वीकार मूड संवत्सराल रुंडुन्नर कोट्लु कौन्सिलर पनी चेसिरंटे अभी देशंलोने चरित्र एंदुकंटे मुनिसिपालिटी वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी रुकन खान सास कौंसल के कविता और रुकन असम्बली गणेश गुप्ता वजीर बल्दी नदमुनस के टी रामाराव के दौरे निज़ामबाद की तैयारियों का तेज़ी के साथ जायजा ले रहे हैं। रियासती वजीर के टी रामाराव हफ्ते के रोज़ निज़ामबाद कलेक्टर ऑफिस की भूमि पूजा में शिरकत करने के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे और जलसे आम से भी वो खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि जिन अजला में वजीर आला नहीं जा रहे हैं वहाँ पर रियासती वजीर के टी रामाराव पहुँचते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। तेलुगु अदाकार तारिक रत्ना तेलुगुदेशम की यात्रा के दौरान गिर पड़े जिन्हें फौरी मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि तारिक रत्ना को हल्का सा खल पर हमला हुआ है और उनकी एंजियोग्राफी भी की गई। उन्हें बेंगलुरु या फिर हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। ये भी बताया गया है कि तारिक रत्ना तेलुगुदेशम की युवागलम नौजवानों की आवाज़ पद यात्रा के दौरान गिर पड़े थे जबकि इस मौके पर नारा लोकेश भी मौजूद थे।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो इन दिनों अमरीका के निजी दौरे पर हैं, कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना शिकागो के दफ्तर में मुनक़िदा मुल्क की 74वीं योम जमहूरियत तकरीब में शिरकत की। कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना शिकागो के आला अहदेदार ने तिरंगा लहराया और इस मौके पर जन गण मन भी पढ़ा गया। सिकंदराबाद में आतिशजदगी से मुतासरा दक्कन स्पोर्ट्स मॉल की निदामी कार्रवाई शुरू हो गई है। 19 जनवरी को इस मॉल में आग लगी थी जिसमें 3 अमवात हुई थी। इंतजामिया की जानिब से इस इमारत के निदाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हक्काम ने बताया कि 5 दिनों में निदामी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, जबकि इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त किया गया है। दोनों शहरों की मुख्तलिफ कॉलोनियों में मुतालिका एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने मुल्क की 74वीं योम जमहूरियत तकरीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया। इस सिलसिले के तहत समता कॉलोनी शेखपेट मुनक़िदा तकरीब में शेखपेट के डिवीजन कॉरपोरेटर राशिद फराज ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। समता कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुजीब ने मेहमान व शुरका का खैर मकदम किया, जबकि सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन एनआरआईज एसोसिएशन, नज़ीरुल हसन कंट्रैक्टर, मोहम्मद निसार मौजिफ महकमे पुलिस के अलावा दीगर भी इस तकरीब में शरीक थे। दोनों शहरों के कई तालीमी इदारों में भी 26 जनवरी को मुल्क की 74वीं योम जमहूरियत तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में ला गया। इस सिलसिले के तहत शेखपेट में वाक़ इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल में मुनक़द तकरीब में मुतालिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कूल डायरेक्टर रशादुद्दीन और राशिद फराज ने परचम कुशाई अंजाम दी और इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। तलबा तालिबात ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए और कौमी यकजहती पर मबनी तकारीर भी की गई। स्कूल के सातेज़ा और तलबा की कसीर तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। अदरबंग पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए डायमंड उड़ाने वाले एक शातुर मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से सरखा शुदा डायमंड्स बरामद कर लिए। डीसीपी ईस्ट जोन सुनील दत्त आईपीएस ने बताया कि 31 साला मोहम्मद रोहिला मुतवतिन कर्नाटक को हिरासत में लिया गया, जो एक पेशावर मुजरिम है और उसके खिलाफ इससे कबल भी कई केसेस दर्ज हैं। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदे के कब्जे से 64 कैरेट डायमंड जिसकी मालियत
तकरीबन 18 लाख रुपए बताई गई है, ये उड़ा लिए थे। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद उसके कब्जे से मस्कूरा डायमंड भी बरामद किया। जो हमारे पास 26 तारीख को एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके, अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा और उसको पकड़ के लाया है। उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है उनका नाम मोहम्मद रुहिला है। ये भी एक जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हैं। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के दो केस हैं, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये लोगों ने कंप्लेंट करी और उसी दिन शाम को अपने ACP, SHO, DI इन लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटक और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे DI ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको बल्लापुर से, इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। इनका ये जो तरीका है वो इसलिए था कि ये आदमी भी जो मोहम्मद रुहिला है ये इसी का बिजनेस करता था और इसको थोड़ा घाटा हो गया। घाटा होने के बाद में इसने सोचा कि कुछ जल्दी से कहाँ से पैसा कमाया जाए, तो किसी को ठग कर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया मार्ट पर जो ये जो बिजनेसमैन है सूरत के, ये अपना सामान बेचते हैं। इन्होंने इनको इंगेज करके हैदराबाद को बुलाया। हैदराबाद में बुलाने के बाद में होटल में इनसे बिजनेस संबंधित जो बात करी उसमें उसी समय इन्होंने इनका जो डायमंड लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं किया तो बात नहीं बनी। तो उसके बाद में इन्होंने जो उनका जो डायमंड था वो तो उसको अटेंशन डाइवर्जन से उसको स्वैप कर लिया। वहाँ पर कुछ दूसरा जो कि ओरिजिनल नहीं था फेक रख के इनका ओरिजिनल लेके चले गए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमको रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में, थाना में जो केस दर्ज हुआ उसके बाद तुरंत से फौरन यहाँ से टीमें हर जगह उनके लिए गई और उनको वहाँ से ढूंढ के लाया है। शुभ उर्दू वेमेंस कॉलेज कोठी की जानिब से हैदराबाद की 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खां बहादुर मुकरमजा की रहलत पर एक ताज़ियती इजलास कॉलेज में वाक़ दरबार हॉल में मुनक़िद किया गया। मुकरमजा बहादुर मरहूम के ब्रादरम प्रिंस मुकफ़मजा बहादुर वालाजा ने इस ताज़ियती इजलास में खसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर सैयद नसीम सुल्ताना असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू वेमेंस कॉलेज इजलास की कन्वीनर थीं, जबकि प्रिंसिपल विजुलता ने इजलास की निगरानी की और इस ताज़ियती इजलास में शिरकत करने पर उन्होंने प्रिंस का शुक्रिया भी अदा किया। सहाफ़ी रियाज अहमद, साबिक सदर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रोफेसर मोहम्मद मजीद बेदार, साबिक सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया ने इजलास से तफसीली खिताब किया और मुकरमजा बहादुर की खिदमात का भी तस्किरा किया। इस ताज़ियती इजलास में मानसी की हैसियत से शिरकत करने वाले सैयद कलीम, वाइस चेयरमैन दक्कन NRI ग्रुप भी शहनशीन पर मौजूद थे। अलावाजी दक्कन NRI ग्रुप के दीगर अरकान जिनमें चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद के अलावा दीगर अराकीन भी मौजूद थे। इस इजलास में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इसके अलावा दुआए मग़फ़िरत भी की गई। हम हैदराबाद जो किसी जमाने में हैदराबाद में होते थे, आप लंदन में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड में चले जाइए, वहां और हमारे शहजादे वाले
मुल्क और रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर शानदार तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर असातिज़ा के अलावा मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और कई शोबा जात के एचओडीज भी मौजूद थे। मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदरजार पर मस्कुरात तकरीब मुनक़िद की गई। डीसीपी ट्रैफिक रक्षा कुंडा बिश्निवास ने बताया है कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी को लेकर कमिश्नरेट हदूद में कई कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा कुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट और टॉपिंग नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अलावा जी एम बी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 इलाकाजात में 2 शिफ्टों पर मुश्तमिल 16 जगहों पर चेकिंग की गई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 149 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और चालानात भी किए गए हैं। डीसीपी श्रीनिवास ने कहा कि इस मुहिम में चलोनी गाड़ियों के लिए दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया जाएगा। सीपी गारी आदेशाल मेरे को क्राइम रिव्यू चेयड़ों भागंगा नंबर प्लेट लेकुंडा नंबर लो टैंपरिंग जेस्तू चाला मंदी क्राइम्स लो इन्वॉल्व अवुतुन्नदाने विषय दृष्टिकोच्चिंदी। अट्लागे एमवी एक्ट दीनी वायलेट चेस्ता उन्नारू, एमवी रूल्स वायलेट चेस्ता उन्नारू, दान्नी कूडा दृष्टिलो पेट्टुकोनी सारू ओक समग्रमैनटुवंटि प्रणालिक रूपोंदिंची मन स्पेशल ड्राइवर से बहुत स्पेशल ड्राइवर मनमु को जी मतलब टोटल 8 पोली स्टेशन ट्राफिक पोली स्टेशन उन्ई 8 पोली स्टेशन पैध रे भागा अटे फस्ट शिफ्ट 10 नीचे मल तरवा 2 गंटल वरकू 1 गंट वरकू 2 गंटल नीचे 5 गंटल वरकू इला रे शिफ्ट मन स्पेषल ड्राइवर 16 प्लेस जरिए अटे पोली स्टेशन पैध रे फस्ट शिफ्ट प्लेस सेकंड शिफ्ट प्लेस दींट भागना मनमुजु 149 वेहिकल्स आईपीसी सेक्शन प्रकार केस रिजिस्टर चयन जरिए विविध पोली स्टेशन पैध प्रेस नोटिस दांट विवरा मत उठाई अलागे 815 वेहिकल्स शलान विधि जरिए डिस्क्रिमिनेशन इकडिंदे मो अंटे इंटेंशनल नंबर प्लेट चेंज వంపుకొని ఉండడము అంటే ఈ చలాన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి వాళ్ళ తర్వాత కావాలని ఇచ్చేస్తూ ఉంటే దాని ప్రకారము ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. సో ఆ రకంగా 149 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ తర్వాత 815 వెహికల్స్ మీద చలాన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే వెహికల్స్ చలాన్స్ తప్పించుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఈ ఉక్కు పెట్టుకొని వస్తున్నారు ముందల వెనకాల ఏది నంబర్ ప్లేట్ కు మాస్క్ తొడిగించి వస్తున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ కు నంబర్ ప్లేట్ లాస్ట్ కు ట్యాంపరింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా మలిపినట్టయితే దాన్ని కొద్దిగా ఉంచినట్టయితే నంబర్ ప్లేట్ రాదు. ఈ చలాను దాన్ని ఇది కాదన్నమాట, ఇంపాక్ట్ కాదు దాని మీద. సో దాని మీద మళ్ళీ దేవుడి బొమ్మలు స్టిక్కర్సు దండలు అడ్డంగా పెట్టడము నామాలు పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకంగా ఏ రకంగా అయితే ఈ ఛాలెంజ్ని వైలేట్ తప్పించుకోవడానికి చూస్తూ ఇది చేస్తున్నారు.
ఇది ఎందుకు ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఖాదిమిల్ల నవాబ్ బహదూర్ యార్ జంగ్ కి 79వీ बरसी के मौके पर कुलीन मिल्लत जिहाद मुस्लिमीन के कायदीन ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुअज्जम खान की निगरानी में मजलिसी अराकीन असम्बली कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन दायरा बंदगी मियाँ शाह कासिम मुश्तहदी वाक़े मुशीराबाद पहुँचे और उनकी मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली के अलावा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर सरगम मजलिसी कारकुन और दीगर भी मौजूद थे जिन्होंने दुआएं मगफिरत भी की। कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खां बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की आज बरसी के ज़िमन में हज़ीरा मुशीराबाद में मज़ार क़ायद मिल्लत पर चादर गुल पेश की गई, फातिहा खानी हुई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल क़ायद मिल्लत की बरसी को बसत अक़ीदत व एहतराम मुनक़िद किया जाता है। इस ज़मन में जलसे आम और तकरीर मुकाबलों का भी अहतमाम किया जाता है। बाज़ाब्ता इसके इंतजाम के लिए एक मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी जाती है। बहरहाल आज यहाँ पर हज़ीरे में मज़ार क़ायद मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के अराकीन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब रुकन असम्बली, जनाब कौसर मुहिद्दीन साहब रुकन असम्बली और क़ायद मिल्लत के खानवादे नवाब मोहम्मद मौज़म ख़ान साहब रुकन असम्बली और मजलिस के सदर मुतमईन कॉरपोरेटर काफ़ी तादाद में शरीक है। क़ायद मिल्लत अलैहिर्रहमा की खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नाकाबिले फरामोश है। उनकी याद में तकरीब मुकाबले ज़िमन में किया जाता है कि लोगों के पास क़ायद मिल्लत की तारीख ज़िंदा रहे और तकरीब मुकाबलों के ज़रिए उनके कारनामों को लोग उजागर करते हैं, पेश करते हैं। उनकी खिताबत एक आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब की हैसियत से भी उनको शोहरत हासिल थी। बहरहाल आज इस मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहने वाले तमाम क़ायद मिल्लत की अकीदत को उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग वाबस्ता रहकर क़ायद मिल्लत को खिराज अकीदत पेश करेंगे। शुक्रिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र आईपीएस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नरेट में हो रहे ट्रैफिक मसाइल को लेकर उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने ट्रैफिक अरेंजमेंट के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में उन्होंने आईटी सेक्टर और जंक्शन डेवलपमेंट के सिलसिले में तफसीली बात की। अलावाजी रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने के सिलसिले में भी उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर जॉइंट सीपी ट्रैफिक के नारायण नायक आईपीएस डीसीपी ट्रैफिक टीएस निवास राव के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। इकसठ साल मोहम्मद बदर साकिन आसिफ नगर कारवान 9 जनवरी से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है और दरख्वास्त की गई है कि उन्हें ढूंढा जाए। मोहम्मद बदर के घर वालों के मुताबिक उनकी हाइट 4 फीट 5 इंच है जबकि वो उर्दू ज़बान में बात कर सकते हैं। गुमशुदगी के वक्त वो ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट जेब तन किए हुए थे। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इस सिलसिले में टप्पा चबूतरा पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। अगर किसी को नज़र आ जाए तो गुजारिश की गई है कि टप्पा चबूतरा पुलिस को मुतला करें या फिर मोबाइल नंबर
702-66 पर राबेता किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मॉडलिंग से वाबस्ता नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए कई मुकाबलजात मुनक्किद किए जाते हैं और उन्हें इनामात से नवाजा जाता है। इस सिलसिले के तहत TMI की जानिब से भी टॉप मॉडल मिस्टर एंड मिसेस के सिलसिले में एक मुकाबला मुनक्किद किया गया। TMI की जानिब से मिस्टर एंड मिस टॉप मॉडल इंटरनेशनल 2023 का मुकाबला जात ली मेरिडियन होटल में मुनक्किद किए गए। इन मुकाबला जात में दोनों शहरों के अलावा बाहर से कई टॉप मॉडल्स ने शिरकत की और अपने जलवे बिखेरे। अदनान खान को मिस्टर टॉप मॉडल इंटरनेशनल 2023 का विनर करार दिया गया। वादे के अदनान खान इससे कबल 2022 में मिस्टर एशिया का भी टाइटल ले चुके हैं और कई ब्रांड्स के लिए वो कामयाब मॉडलिंग कर चुके हैं। आई थैंक टू मैक्स सर द ऑर्गेनाइजर एंड आई थैंक माय पेरेंट्स माय मॉम एंड डैड फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरी अप्स एंड डाउन एंड दिस इज माय सेकंड टाइटल विन। फर्स्ट वाज मिस एशिया 2022 एंड सेकंड वन बैक टू बैक। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। शहरियान को दूसरों की जान के तहफ़ के लिए CPR टेक्निक सीखनी चाहिए। गांधी मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा वर्कशॉप से गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन का खिताब। BRS में कौमी कायदीन की शिरकत का आगाज। रियासत उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कायदीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के वाक़े पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का शदीद रद्द अमल। स्वीडन के सफीर को एहतजाजी मकतूब किया गया रवाना। राम गोपाल पेट सिकंदराबाद में आतिशज़दा मॉल को GHMC ने मुनहद्दिम कर दिया। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। जहन मुंतशिर करते हुए डायमंड्स उड़ाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर की कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।